हाँ जी बेटा, लेट अस डू हेयर द क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ, ओके, फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 12.3, क्वेश्चन नंबर जो है बेटा फोर्थ। हाँ जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर हम देखें, मेरे पास हो गए, दिस इज द शेडेड रीजन और ये 6 सेंटीमीटर है मेरे पास। उन्होंने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड जो है वो मेरे पास 12 दी गई है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरी पूरी 12 साइड है और उसने कहा है एज सेंटर मेरे पास जो है उसने दिया हुआ। अब बेटा अगर देखा जाए, ध्यान से देखना, मुझे ये सारा शेडेड रीजन चाहिए, आई नीड दिस शेडेड रीजन, ओके। तो क्या करें अगर हम देखें तो, यस दक्ष, ओके, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ये इतना आया, उसके बाद वो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सेक्टर। यानी फिर हम क्या करें, ये वाला एरिया निकालने के लिए हम सर्कल में से ये सेक्टर का एरिया क्या कर दें, माइनस। गुड बेटा, तो अब ये करने के लिए सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें। आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सीधा फॉर्मूला आता है, सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर। और मेरे पास ए दिया हुआ है, दैट इज 12 स्क्वायर, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नाउ एरिया जो है आप ना इसको पार्ट कर सकते हो, लेट इट बी ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू, थोड़ा इजी हो जाता है बताना, ठीक है। यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एरिया वन, यहाँ एरिया टू, एरिया टू आप बोलोगे वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ओके बेटा। अब एरिया ऑफ सर्कल जब आप करोगे तो मेरे पास बेटा वो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर सेक्टर मेरे पास जो है वो क्या होगा, जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब बेटा देखिए, आर दोनों में मुझे पता है 6 है, थीटा यहाँ पर डायरेक्ट नहीं गिवन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 100% क्या होगा, 60 डिग्री। तो दैट मींस जब मैं वैल्यूज ऊपर पुट करने लगी हूँ यहाँ पर, तो दैट मींस कि मेरे पास क्या आएगी, मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले दू, 1 माइनस थीटा बाय 360। कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाती है ना, 22/7 देख लीजिए, पाई कोई दिया तो नहीं है, नहीं दिया, तो 22/7 आर स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर, 1 माइनस थीटा 60 बाय 360 डिग्री। हाँ जी, इस सारे को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब सॉल्व करने के बाद बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, मार्क दिस इक्वेशन वन, मार्क दिस इक्वेशन टू। तो अब आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, मेरे पास हो गए रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज एरिया वन प्लस एरिया टू, दोनों एरिया को क्या कर लोगे, प्लस कर लो। बात समझ आई मुझे, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा, स्पीड से सारे नोट डाउन करना, ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा, ये दोनों आंसर्स को ऐड किया, इसको और इसको, क्यों, क्योंकि नीचे ट्रायंगल का एरिया और ऊपर वाले एरिया को क्या करना है, प्लस करेंगे तभी आंसर आएगा। चलो आगे, चलो हाँ जी, कैलकुलेशंस आप सारी खुद करोगे बेटा, मैं कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करूंगी, ओके। नाउ कम टू बेटा नेक्स्ट, मेरे पास हो गए, लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे पास फिफ्थ। फ्रॉम ईच कॉर्नर,
उसने कहा फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए साइड, मेरे पास स्क्वायर है, इसके हर कॉर्नर पे उसने कहा है कि एक क्वाड्रेंट जो है वो ड्रॉ करना है विद 1 सेंटीमीटर एज रेडियस. ओके जी, हमने यहाँ ड्रॉ करना है. और उसने कहा है कि एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ठीक है, एक कट आउट करना है. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द, मेरे पास वो है स्क्वायर. वो कहता है अगर ये 4 क्वाड्रेंट और बीच में से एक सर्कल कट आउट कर दिया तो मुझे बताइए कि कितना रिमेनिंग एरिया. हाँ जी, कैसे करेंगे? हाँ जी, यस जी, आप वेरी गुड वेरी गुड. मुझे रिमेनिंग एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाला कैलकुलेट करना है. तो क्लियर कट है बेटा, आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर, या ब्रैकेट में लिख दोगे कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर, गलती ना हो, माइनस जो है 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. ओके बेटा, क्लियर? अब बेटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर. अब सब कुछ पता होना चाहिए. एक चीज ये भी है कि आप यहां पर ही पहले 3 चीजें बना लो, ऐसे स्क्वायर सर्कल क्वाड्रेंट. स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस R1 यूज करेंगे, वो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर. क्वाड्रेंट का रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसको R2 से डिनोट करेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो. बेस्ट होता है ऊपर, मतलब अपने लिए इंफॉर्मेशन लेकर, ठीक है ना. चलिए, अब स्क्वायर का एरिया 4 मल्टीप्लाई 4, हाँ जी पाई आर स्क्वायर. अब मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रही हूँ. 22/7, आर इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू है ना पाई आर स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाय 4 ना, क्योंकि क्वाड्रेंट है. ओके जी, 4 से 4 कैंसिल. अब सारी कैलकुलेशंस खुद करो, सेंटीमीटर स्क्वायर इज हियर. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं? चलूं आगे? कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, करनी तो पड़ेगी कैलकुलेशन. क्या बताओ, क्या बताओ? 16 माइनस 22/7 माइनस, ये भी कितना बन गया 22/7, टेक 7 एलसीएम तो ये कितना बना 42 112 माइनस 22 माइनस 22 112 माइनस. ये तो बच्चों ने सी कैलकुलेशन यू आर आस्किंग, कहां पर ये बेटा 4, ये वाला पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना था, क्योंकि क्वाड्रेंट का क्या होता है, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड, वही किया मैंने. ओके जी, क्लियर बेटा? चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 6. बिल्कुल डिपेंडिंग अपॉन एमसीक्यूज में आंसर कैसे हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूं, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स इन अ सर्कल सर्कुलर टेबल कवर, देयर इज अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस, मेरे पास जो है 32 सेंटीमीटर, अ डिजाइन इज फॉर्म्ड. उसने कहा कि एक डिजाइन फॉर्म किया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प से. ओके, ए
ABCD, oh sorry, ABC. This is an equilateral triangle. In the middle, as shown in the figure, find the area of the design. अब उसने कहा कि area of design निकाले. हाँ जी बेटा. चलो जी, बिल्कुल सही बोला कि area of circle में से area of triangle minus कर दें. अब बात ये है, area of circle निकल जाएगा. प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड गिवन है? कहाँ गिवन है? नहीं गिवन है. तो मैं इसका एक आपको इजी तरीका बताऊं, है ना? आप ट्रायंगल से मतलब वहां पर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ट्रायंगल से भी ये चीज निकल जाती है. मैं क्या करूं, अगर ये सेंटर है, है? मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं. ओके, ये 60 डिग्री है, am I right? तो हमने एक थ्योरम की हुई है, डिग्री मेयर थ्योरम, जो मेरे पास कि वो क्या कहता है कि एंगल सेंटर पे कितना होता है, जितना अल्टरनेट सेगमेंट में होता है उससे डबल, यानी ये 60, तो ये कितना हो गया 120. अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि 120 बना हमारा गलत सिलेबस में डिलीट हो गया. हम कर रहे हैं ना इसको इस मेथड से, इसका तो दूसरा मेथड भी है ना, तो आप उससे कर लो. ये वाले मेरे को ये इजी लगता है कि बच्चों को बताना, ठीक है? अब अगर मैं सेगमेंट का एरिया निकाल दूं, एक सेगमेंट का, उसको 3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो जो हम लॉन्ग मेथड करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरे 3 का प्लस करके निकालते हैं, वो लंबा मेथड छोटा हो जाता है. ये बेनिफिट है बस. Okay, so that's why I'm doing it by that method. बेटा इक्वल ही होगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. आप जैसे मर्जी रोटेट कर दो सर्कल और उसमें ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें 100%. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होती तो मुझे प्रॉब्लम आती, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. आप ट्रायंगल ड्रॉ करके एक सर्कल में देखो, वो इक्वल एरियाज में ही इक्वल वो रोटेट करेगी आराम से, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो आप ये कहोगे, मार्क दिस हो, एंगल ओ इज 2 टाइम्स एंगल ए. आप लिखोगे डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, तो एंगल ओ जो है वो 2 × 60 120 डिग्री. ओके जी, एंगल ओ आ गया हमारे पास. हाँ जी, अब हम कहेंगे जो है, अब देखो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगी 1, 2, 3. इससे ना इजी हो जाता है. अरे वैसे तो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, हमें तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, है कि नहीं? तो मैं सीधा ही एरिया 1 = area 2 = area 3, तो देयरफॉर required area मेरे पास 3 × area 1. अब 3 × मेरे पास हो गए, that is area of sector minus area of जो है triangle. हाँ जी बेटा, बेटा क्योंकि मुझे ये सारा shaded area निकालना है ना, शेडेड एरिया 3 निकालने की बजाय अलग रख, जब है ही बराबर तो मैं लिख सकती हूँ ना कि ये तीनों बराबर है, ठीक है? अब देखिए, अब दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको आगे भी बताया था, 1/2 r² sin θ. अब यहाँ जो नई चीज मैंने आगे भी आपको बताई थी, साइन 120 साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है. जितनी साइन 120 की वैल्यू होती है उतनी साइन 60. कैसे? यूजिंग द फॉर्मूला साइन थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है. ये फॉर्मूला प्लस 1 में हम आपको बताते हैं, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं. मतलब अगर यहाँ 45 है या 180 माइनस 45 कितना होता है बताओ,
35 हुआ ना, है ना। तो अगर मेरे पास साइन 35 है, 135 है सर, तो मैं उसको साइन 45 लिख सकती हूँ। साइन 135 है तो मैं उसको कितना लिख सकती हूँ, साइन 45। मतलब घबराने की जरूरत नहीं, 180 में से माइनस कर। बेटा आपको वैल्यू ही ऐसी आती है जो आपको पता हो। 30 के साथ 180 का जो 150 है ना, ये एंगल जो है आपके सिलेबस में इस बार डिलीट हो गए। मैं तो आपको कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की इजी करने के लिए ये मेथड बता रहा हूँ। ओके, तो अब मेरे पास हो गए, तो दैट मींस रूट 3/2। अब सारी वैल्यूज पता चल गई। आर मेरे पास कितना है, 32। तो ये 3 × जो है मेरे पास 22/7। हाँ जी, आर स्क्वायर 32 स्क्वायर थीटा मेरे पास हो गए। अब यहां पर प्लीज सेक्टर का एंगल 120 डिग्री ही है। ओके, 120 डिग्री ओवर 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 32 स्क्वायर और साइन थीटा √3/2। सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर। समझ आई बात? सिर्फ यहाँ ये लॉजिक बताया इन ऑर्डर टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। ओके, क्लियर? जल्दी जल्दी स्पीड से बेटा नोट डाउन कीजिए, हरे अप। हाँ जी, कैलकुलेशंस आपके लिए इसीलिए छोड़ रही हूं टू स्पीड अप योर वर्क। मैं कैलकुलेशंस करती जाऊंगी तो आप क्या करोगे बेटा? आप करो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आई विल टेल यू। ठीक है, कल ही कैलकुलेशंस मैच नहीं हुई आप मेरे से पूछ सकते हो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल से इक्वेट करके बहुत लंबा मेथड हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल जी। ओके, बता दूंगी जब आप रिवीजन करेंगे, आई विल टेल। चलो आगे बेटा, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज गिवन देयर इन द फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 cm। मेरे पास देखिए बेटा, उसने कहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 14 cm है। तो दैट मींस दिस, अगर ये टच कर रहे हैं पूरे, तो 100% 7 इधर होगा, 7 इधर होगा। ओके जी, आगे देखते हैं भी वो कहता क्या, मैंने तो फिगर से अंदाजा लगाया। हाँ जी, विद सेंटर ए बी सी डी 4 circles आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेस एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 circles। जरूरी नहीं है, कई बार इस क्वेश्चन की फिगर बन के आए, आप फिगर खुद सोचिए। ये वाला सर्कल, एक सर्कल कितने सर्कल्स को टच कर रहा है एक्सटर्नल? एक इसको, एक इसको, और किसी को टच कर रहा है? ये वाला सर्कल, ये सर्कल, पता एटलीस्ट जो है देखा जाए तो आपस में जो है एट ए टाइम, उसने क्लियर कट कहा कि ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द फिगर, 2 circles को टच कर रहे हैं ना। अब उसने कहा फाइंड द शेडेड एरिया, मुझे ये कैलकुलेट कर बस। हाँ जी, क्या करें? हाँ जी परीना, वेरी गुड, क्लियर कट है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या कर दें,
फोर सेक्टर माइनस इतना नहीं आ गया आधा बताओ क्लियर टू एवरीवन ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं श्योर तो आगे हम कैरी करें बेटा हाँ जी तो यहाँ पर बेटा मेरे पास जो है हम लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस फोर इंटू एरिया ऑफ जो है फोर सेक्टर्स नहीं लिखना क्या यहाँ तो ये फोर इधर लिख दो वन सेक्टर ओके बेटा समझ आ गई बेटा क्लियर सक्षम आप उधर चले जाओ बेटा ऐसा लगता है पनिशमेंट दी हुई है उसको डजंट लुक नाइस है ना एक ही बात है सेक्टर यहाँ पर क्या है क्योंकि 100% जब आप स्क्वायर के कॉर्नर पे लेते हो तो वो क्वाड्रेंट ही बन जाता है बिकॉज कॉर्नर एंगल कितना होता है 90 डिग्री तो दैट मींस आप यहाँ पर सबसे पहले तो जो है साइड कितनी थी 14 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 लगाओगे थीटा कितना लगाओगे 90 तो ये सब क्या बन जाएगा ये तो आपका माइंड है ना कैसे वर्क करता है ठीक है क्या नहीं चले आगे चलो नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 वेट हाँ जी सेक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए यहां पर ताकि कंप्लीट हो जाएगा एंड पुट थीटा ऑल द वैल्यूज पुट हियर बेटा ओके जी चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 रियल लाइफ रिलेटेड स्टोरी है ये एप्लीकेशन हाँ जी ध्यान से देखना जरा उसने कहा कि फिगर 12.26 depicts a racing track जो है whose left and right ends are semi-circular. This is a racing track जो games के साथ correlate हैं बच्चे उनको पता है कि ऐसे racing tracks जो हैं बने होते हैं. Okay? These are the racing tracks एक ground में जिसके circular ends मेरे पास जो हैं वो क्या है? बेसिकली सर्कुलर एंड जो है वो सेमी सर्कुलर है अब उसने क्या कहा द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पार्लर लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर इसके अंदर लाइंस होंगी ना ट्रैक्स होंगे बहुत सारे मुझे कोई लेना देना नहीं इन ट्रैक्स से बस उन्होंने कहा इन दोनों के बीच में मेरे पास जो डिस्टेंस है ना वो 60 मीटर का है And they are each 106 meter long. अब ट्रैक का लॉन्ग का कहां से देखूं? इनकी बात कर रहा है सिर्फ इनकी कि ये 106 meter है ये लेंथ यहां से यहां तक ये लेंथ स्ट्रेट नहीं आती अगर ये लेंथ होती तो ये सर्कमफ्रेंस में काउंट करती बात समझ आई कि नहीं तो अब बेटा उन्होंने कहा इफ ईच सॉरी मैंने गलत लिख दिया इनर ट्रैक बोला था वो ये आना था ये देखिए इनर ट्रैक तो यही हुए ना अंदर वाले ग्राउंड के अंदर अब उन्होंने आगे लिखा है कि इफ ट्रैक इज 10 मीटर वाइड ये ट्रैक है ना ये 10 मीटर वाइड है तो उन्होंने कहा मुझे फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज पहले उसने कहा डिस्टेंस निकालना है अराउंड द इनर ट्रैक यानी मुझे क्या निकालना है ये यहां से ये यही हुआ ना डिस्टेंस आई विल शेड इट विद द कलर चॉक सो दैट आपको पता चले ये देखिए ये पता चल गया सबको अब कैसे निकालें इसको चलो विवान एरिया
और सर्कमफ्रेंस है ना, सेमी सर्कल के दो सर्कमफ्रेंस और साथ में ये दो लेंथ, और ये लेंथ मुझे कितनी दी हुई थी? कोई प्रॉब्लम आई? चलो राइट डाउन, डू इट बेटा. फर्स्ट पार्ट मैंने भी दो ही कहा बेटा, इनर का निकाल लेना तो अंदर की बात करेंगे. एक लेफ्ट पे एक राइट पे, हमने भी दो कही कहा. तो मेरे पास हाँ जी, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, व्हाट दे हैव रिटन, डिस्टेंस अराउंड द डिस्टेंस या रिक्वायर्ड डिस्टेंस दैट इज 106 प्लस. अब सीधा लिखेंगे हम, फॉर्मूला क्यों लिखें, हमने कैलकुलेशन सीधा करनी है. तो व्हाट वी हैव टू राइट, सेमी सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पाई आर. हाँ जी, दो आने हैं ना, पाई आर पाई आर. अब आर कितना ले रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. देखो ये सेमी सर्कल का डायामीटर है कि नहीं है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 13. तो दैट मींस डी एयर इज 60 सेंटीमीटर, तो देयर फोर आर इज 30 सेंटीमीटर. ओके, तो दैट मींस हियर आई कैन यूज आर व्हेन आई ऐड इट टू 12 प्लस 22 बाय 7 इनटू, मैंने टू टाइम्स कर दिया सीधा ही. ओके, एंड आर इज 30. Calculate it. हाँ जी, 4 4 और ये आया 1320 by 7. देख लेना calculations करके, बीच में plus. Take LCM and get your answer in centimeter. Okay? Now come to next part. Area of the track. Area of the track. What does it means? ये track है ना? ये सारा. ये देखो, दिस इज द ट्रैक आई नीड. इस ट्रैक को कैसे निकाली? एरिया ऑफ सेमी सर्कल इनटू, अच्छा जी मुझे ये कहा गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल. बेटा अगर मैं आउटर सेमी सर्कल लूं तो उसमें ये सारा एरिया आ जाता है. मेरे पास तो ये स्पेयर आ गया. Yes. तो यहां पर होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग. ये रिंग बन गई ना, हमने किया हुआ ना, रिंग का एरिया ऐसे होता है और आधा है. तो रिंग का एरिया क्या निकालते हैं? आउटर माइनस इनर. इट्स जस्ट लाइक ए रिंग ना, हुआ क्या नहीं? तो दैट मींस हाफ इधर हाफ इधर. तो देखा जाए तो एक रिंग का एरिया प्लस, मैं प्लस कर रही हूं, ये भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये भी क्या है? रेक्टेंगल, टू टाइम्स रेक्टेंगल. अच्छा एरिया ऑफ रिंग निकालना है वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का देखो. ये इतनी विड्थ कितनी दी हुई थी? 10 मीटर थी कि सेंटीमीटर, ये चेक कर लेना सारे. मीटर में था सारा कुछ, तो ये भी मीटर में आएगा. अब इसकी लेंथ 106, L into B कर लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब बात करें रिंग की, रिंग में अब देखो ये, हाँ जी बेटा मैंने बोल तो दिया टू टाइम्स क्योंकि इधर और इधर का मैंने बोला है. हाँ जी, अब रिंग का देखो, पूरे रिंग का, क्योंकि हाफ इधर हाफ इधर, मेन मुझे रिंग ही चाहिए. सबसे पहले आउटर रेडियस बड़ा वाला, वो ये पूरा होना चाहिए ना, ये डायमीटर 10 इधर है, 60 इधर है, 10 इधर है, ये डायमीटर कितना हो गया? 80 का हाफ 40. यानी आउटर सेमी सर्कल का मुझे क्या पता चल गया? रेडियस पता. अब इनर का वो तो पता ही है क्या है? 30. तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. पहला आर वन ले लेते हैं, दूसरा आर टू ले लेते हैं, एरिया निकल आएगा. दोनों एरियाज को क्या कर देंगे? प्लस. आर यू एबल टू डू?
सबको अंडरस्टैंड हो गया कि क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? पक्का आई एम नॉट कंसिडरिंग योर सरकमफ्रेंस, मैं तो एरिया की बात कर रही हूं। मैं तो पहले पार्ट में क्या है, बाउंड्री में हमने कहा था प्लस ही, तो प्लस ही कर रहे हैं। हमने माइनस कहा कि प्लस पार्ट, फर्स्ट पार्ट में वी आर एडिंग ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। अगर इनर आउटर का निकाल रहे हैं, इनर का निकाल रहे हैं तो ये ऐड किया, हमने माइनस किया ही नहीं। अभी तक सेक्शन आई नहीं, कोई चेंज होके आता है तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना बेटा। ओके बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट।